मैं आशुतोष पाठक इंडिया डिबेट के साथ हाजिर हूं। मित्रों, हमने आपसे कहा था कि वो डाल डाल हम पात पात चलेंगे। जैसे जैसे वो तैयारी शुरू करेगा हम भी मोर्चा बंदी करेंगे। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारी ये मेनस्ट्रीम मीडिया दलाली का अड्डा बना और किस प्रकार से उनके एजेंडे को आगे बढ़ाया और फिर से नाटक के लिए रिहर्सल हो रहा है और ये पर्दा उठाया जाएगा 2025 में। एक नाटक का रिहर्सल हुआ 2019 में, पर्दा उठ गया 2019 दिसंबर में और 2019 से लेकर आज तक वो नाटक चल रहा है और बदस्तूर वो नाटक चल रहा है। उस नाटक में उनको बहुत हद तक कामयाबी मिल गई क्योंकि दुनिया भर की सरकारों को, दुनिया भर की मीडिया को, यहां तक कि न्याय व्यवस्था को, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, आधे से अधिक लोगों को उसने खरीद लिया। जो लोग नहीं बिके उनको भरमाया गया, उनको झूठ फैलाया गया, उनको बताया गया कि यह बहुत भयानक होने वाला है, आप संभलिए क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो होने वाला है। और हमने बहुत पहले कहा था कि इस दुनिया का जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर है ना, उन्होंने एक गैंग तैयार किया है, एस्ट्रोलॉजी का एक गैंग, एस्ट्रोलॉजर्स का एक गैंग। और वो एस्ट्रोलॉजर कहां मिल जाता है? तो गाम्बिया में, साउथ अफ्रीका में। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुखिया को तो उन्होंने बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना दिया है, जो इस एस्ट्रोलॉजर की बात को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए टेंडर ले लेता है और टेंडर लेकर के सारे जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी मीडिया के लोगों को बताता है, हमारे देश की बिकी हुई मीडिया पहले बिकती है, जो नहीं बिकती है वो कुछ गलत समझ लेती है और उस गलत फहमी को लोगों के बीच में फैलाती है, गुमराह करती है, डराती है। आप थर थर कांपने लगते हैं, आप बीमार हो जाते हैं, बीमारी के बाद हॉस्पिटलाइजेशन शुरू होता है। हॉस्पिटलाइजेशन जब शुरू होता है तो उनका माल बिकता है। माल क्या है? दवाइयां, बेड, सुई और फिर वो चॉकलेट, जिस चॉकलेट के लिए पूरा ड्रामा चला, वो चॉकलेट बिकता है, बड़े पैमाने पर बिकता है। छोटा से छोटा केमिस्ट का दुकान वाला भी दो दो करोड़, चार चार करोड़, पांच पांच करोड़ की कोठियां खरीद लेता है। 10 बेड वाला, 20 बेड वाला, 50 बेड वाला हॉस्पिटल तो 600 बेड, 500 बेड, 1000 बेड के हॉस्पिटल में खुद को तब्दील कर लेता है। 2 साल में वारे न्यारे हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों की कमाई ट्रिलियंस में, मिलियंस में डॉलर्स के अंबार लग जाते हैं, बोरियां भर भर के उनके खजाने भर जाते हैं। सड़क पर कौन आता है? सड़क पर मजदूर आता है। सड़क पर लाखों लोग हमारे देश में, भारत में, दिल्ली से, मुंबई से, बेंगलोर से, हैदराबाद से गांव की तरफ रुख कर लेते हैं। और इस सरकार के ऊपर, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। सरकार संवेदनशीलता का ढोंग करती है, नाटक करती है। विपक्षी पार्टियां ऐसा लगता है कि संपूर्ण बिक गई है। आज विपक्षी पार्टियों, सरकारों, बिकी हुई मीडिया, दलाल पत्रकारों और करप्ट डॉक्टरों, करप्ट साइंटिस्टों को चुनौती देने आया हूं कि देखो कैसे 2018-19 में उसका नाटक चल रहा था, किस प्रकार से उसके नाटक में कामयाबी मिल गई, उनका सारा मॉक ड्रिल कामयाब हो गया, फिर से वही मॉक ड्रिल कर रहा है।